दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो भाइयों, स्वागत हो चुका है आपका एक और वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 15,000 राउंड के बीच में सबसे बेस्ट लैपटॉप, अगर आपका बजट 15,000 है ना, 15,000 बजट के बीच में आप अगर ढूंढोगे ना भाई अमेजोन या फ्लिपकार्ट के बीच में कोई लैपटॉप, तो आपको लैपटॉप भाई 15,000 में कोई बढ़िया सा दिखेगा ही नहीं। अगर कोई दिख भी गया तो आप परचेस कर लोगे, लेकिन यार एक चॉइस आपके पास हो जाएगी, दो चॉइस हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फाइव चॉइस, पांच लैपटॉप बताऊंगा। पांच लैपटॉप के बीच में एक लैपटॉप तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगा। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको फाइव लैपटॉप एक्सप्लेन करूंगा जो कि बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस एंड विदाउट लैग आप इसको नॉर्मली ऑल ओवर हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर फाइव की, HP Chromebook 13। तो दोस्तों ये G16 जनरेशन का लैपटॉप है, बट जनरेशन वाइज अगर हम देखकर चले तो यार अगर इस बार के अभी जो नए जनरेशन वाले जो लैपटॉप है उस लैपटॉप के थ्रू अगर हम देखकर चले तो वो बहुत ज्यादा महंगे एंड कॉस्टली पड़ेंगे। अगर ये लैपटॉप देखें तो ये लैपटॉप की जो MRP है वो है 90,000 रुपीज। 90,000 रुपीज वाला भाई हमें मिल रहा है 15,000 में। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं, इसमें 8GB की रैम है, 32GB की स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। बट ये इसलिए मैंने नंबर 5 पे रखा क्योंकि इसमें इंटरनल स्टोरेज थोड़ी सी कम थी। इसमें 13.3 इंच की फुल HD क्रोम डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। और इसके साथ अगर गेमिंग की बात करें कि गेमिंग वाइज ये कैसी परफॉर्मेंस देगा, इसमें इंटेल ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया है जिसमें आप गेम वगैरह कोई भी भाई इसमें अच्छी खेल सकते हो। आज के टाइम के बीच में ना वैसे मोबाइल के गेम्स भाई PC एंड लैपटॉप के बीच में खेलकर लोग बहुत ही ज्यादा भाई अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, तो आप भी भाई ट्राई जरूर करना। इसमें बहुत ही नॉर्मली आप इसमें गेम प्ले कर पाओगे क्योंकि ये लैपटॉप जब लॉन्च किया गया था ये 90,000 की इसकी MRP थी, बट अभी इसका जो प्राइस है वो है 15,000 रुपीज। तो गाइस फोर्थ नंबर पे आ चुका है, एक एडिटिंग करने के लिए आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, ये है चूवी हीरो ब्रुक प्रो। तो दोस्तों ये एक बढ़िया आपको एडिटिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। वैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एज अ स्टूडेंट आप इसको परचेज कर सकते हो। तो ये लैपटॉप के बीच में आपको मिलती है 8GB की रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज। इसमें स्टोरेज बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है, विंडो 11 आप इसमें यूज कर सकते हो, और ये 1TB SSD एक्सपेंड यहाँ पर आप इसमें डलवा सकते हो। इसमें प्रोसेसर की बात करें, ये इसमें इंटेल सेलेरॉन N4020 का प्रोसेसर दिया गया जो कि 30,000 बजट के बीच में ASUS के बीच में भाई प्रोवाइड किया, जो कि 30,000 बजट में डेल एंड ASUS के भाई लैपटॉप्स के बीच में भी प्रोवाइड किया गया है ये वाला प्रोसेसर, बट ये हमें इतने लो बजट में मिल रहा है। इसके स्क्रीन की साइज की बात करें तो इसमें FHD IPS डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है जो कि एक अल्ट्रा एंड स्लिम ये लैपटॉप है। अल्ट्रा स्लिम बहुत ही स्लिम सा लैपटॉप है देखने में और हाथ के बीच में बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा, बट इसमें 46% की ऑफ चल रही है अभी, और 46% ऑफ पर ये 90,000 का मिल रहा है। वैसे मैंने आपको 15,000 कहा था लेकिन 90,000 का इसका प्राइस अभी थोड़े दिन पहले ही भाई इसका इंक्रीज हो चुका है, पहले 15,000 में ये मिल रहा था, बट अभी इसके 46% की ऑफ है। अगर थोड़ा बहुत रुक कर आप इसको परचेस करोगे तो इसका प्राइस फिर से ड्रॉप हो जाएगा। वैसे दोस्तों इसका प्राइस वैसे आगे पीछे होता रहता है, वैसे टाइम के हिसाब से आप इसको चेकआउट करते रहिए। अगर ये वाला लैपटॉप इस बजट में आप परचेस कर लेते हो तो वैसे डील अच्छी है, 2-3 हज़ार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करना कि मैंने ये 19,000 वाला बता दिया, वैसे इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया था। तो गाइस तीसरे नंबर पे आता है अल्टीमस प्रो। तो ये उन लोगों के लिए लैपटॉप है जिन लोगों ने एडिटिंग करने के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, और रिकॉर्डिंग वगैरह आप इसमें कर सकते हो और फोटोशॉप भी आप इसमें यूज कर सकते हो। फोटोशॉप के बीच में अगर आप फोटो वगैरह कोई एडिट करना चाहते हो तो वो इससे आराम से भाई बहुत ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, और सॉफ्टवेयर वगैरह ये आराम से रन करवा देगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने दोस्तों एक बहुत बड़ी 144 FPS के बीच में 120 FPS 130 FPS में कोई गेम आपने खेलनी है, बड़ी गेम खेलनी है, तो उस गेम के लिए ये लैपटॉप मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये लैपटॉप के बीच में आपको इतने ज्यादा FPS नहीं ये लैपटॉप प्रोवाइड कर पाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो FPS होते हैं ये 40,000 तक 200 बजट में लैपटॉप होते हैं जिसमें आप ये गेम वगैरह खेल पाओगे। अगर आपने इतने FPS के बीच में गेम वगैरह खेलनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहां पर इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें, इसमें इंटेल सेलेरॉन ड्यूल कोर N4020 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। इसमें 4GB की रैम है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है, और आप इससे विदाउट लैग परफॉर्मेंस ले सकते हो। तो दोस्तों ये वाला जो लैपटॉप है ना ये आपको मिल रहा है 30,999 रुपीज का। तो दोस्तों ये 14,000 बजट में बहुत अच्छी डील है, आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए। तो गाइस सेकंड नंबर की बात करते हैं लैपटॉप की, ये है प्राइम बुक। ये है दोस्तों वाईफाई एंड मीडियाटेक MT8183 के साथ आता है। बेसिकली बताऊं दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है प्राइम बुक का। तो आप लोगों ने प्राइम बुक का भाई नाम भी सुना होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एज अ वीडियो भी बनाई हुई है, जो कि आप वहां पर जाकर रिव्यूज वगैरह इसके देख सकते हो कैसी इसकी परफॉर्मेंस आ रही है। बट इसकी जो परफॉर्मेंस है ना दोस्तों, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, एक अच्छी परफॉर्मेंस ये लैपटॉप आपको प्रोवाइड कर देता है।
अगर आप इसको यूज करना चाहते हो एडिटिंग करने के लिए ऑल ओवर, जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो बार बार भाई रिपीट क्यों करूंगा। इसके कुछ बेसिक फीचर की बात करते हैं। यहाँ पर 4GB रैम मिली है, 64GB इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, और इसके बीच में एक वाईफाई का आपको ऑप्शन मिलता है, वाईफाई का, बिल्कुल आपको वाईफाई का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। और ये लैपटॉप में आपको 11.6 इंच की रॉयल ब्लैक एक स्क्रीन का साइज दिया गया है, और इसका जो वेट है ना, वेट भी बहुत कम है। ये लैपटॉप का वेट है 1 kg ओनली, ज्यादा वेट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे फीचर भी वैसे ही है, क्योंकि इस बजट के बीच में वैसे 13,000 का ये मिल रहा है, ये लैपटॉप 13,000 के बीच में। अगर आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो भाई इसके लिए आपको थोड़ा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। इतनी हाईएस्ट गेमिंग करवाने के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये हीट कर जाता है अगर इतनी बड़ी गेम डालोगे। वैसे ये दोस्तों 13,000 के बीच में एक अच्छी डील आपको मिल रही है, 13,000 के बीच आप इसको परचेस कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं इस लैपटॉप से थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अच्छी वगैरह फोटोशॉप वगैरह के में एडिटिंग वगैरह कर सकता हूं, तो इतना काम आप कर सकते हो। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वाइज भी आप इसको डाटा एंट्री वगैरह ऐसे काम वगैरह करके अच्छे खासे पैसे कमाने के लिए इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। वैसे नॉर्मल वर्क करने के लिए आपको कोई इसमें इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे लैपटॉप आता है Lenovo ThinkPad X270। दोस्तों ये वाला जो लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा मस्त लैपटॉप कहूंगा, क्योंकि इसके बीच में i5 का प्रोसेसर आपको दिया गया है। ये लैपटॉप जो बता रहा हूँ, ये लैपटॉप थोड़ा रीन्यूड है। जी हाँ गाइज, ये लैपटॉप रीन्यूड है, मैं इसीलिए आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस लैपटॉप का जो मेन MRP है ना, वो है 1,98,000 की इसकी MRP है, बट ये अभी 20,000 में मिल रहा है। इस लैपटॉप को अगर आप देखना चाहते हो और परचेस करना चाहते हो, जरूर आप 200 परचेस कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है प्रोसेसर i5 का, इसमें आपको 12.5 इंच की आपको लैपटॉप का दोस्तों स्क्रीन का साइज मिलता है। ये 7th generation का लैपटॉप है, इसमें 8GB की रैम मिलती है, 512GB की SSD दी गई है, इसमें इंजेक्टेड दोस्तों ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया है। और ये लैपटॉप के बीच में सबसे बढ़िया बात ये है कि ये एक बहुत ही स्मॉल सा एंड बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप है, इसको कहीं पर भी आप ले जा सकते हो, आपको कोई इशू भी नहीं होगा। वैसे ये आप एडिटिंग करने के लिए, नॉर्मल वर्क करने के लिए, ऑल ओवर हर काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये लैपटॉप पसंद आया तो इसको जरूर चेकआउट कीजिए, 20,000 rupees में आपको ये मिल जाएगा। आज की वीडियो में जो मैंने आपको लैपटॉप बताया है, तो ये लैपटॉप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर दबाकर आप जरूर चेकआउट कीजिए, और आप इसको भाई Amazon एंड Flipkart के बीच में आराम से परचेस कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड किया, वहां से जाकर आप चेकआउट कीजिए, आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर परचेस कीजिए। वैसे आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको नेक्स्ट आने वाली और अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। आज की वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।